प्यारे बच्चों नमस्ते आज की कक्षा में सबका स्वागत हम किस कहानी पढ़ रही थी मुर्की उर्फ, बुल्याकी। बुल्याकी या मुर्की उर्फ या कौन है हाँ वो एक लड़की है यह कहानी किसने लिखी यह अमृता प्रीतम की रचना है पिछली कक्षा में हमने कुछ गृह कार्य भी दिए थे आप सबने उत्तर लिखकर अपनी अध्यापिका को भेज दिया है बहुत अच्छा जरा देखिए पहला प्रश्न था कुमार की आंखों का पानी आंखों में ही रहा राजवंदी की आंखें छलक पड़ी दोनों ने मन की संवेदनाएं भिन्न प्रकार से प्रकट की क्यों उत्तर इस प्रकार है मुर्की की कहानी सुनकर कुमार का मन वेदना से भर गया। पुरुष होने के कारण आंसू बहाकर अपनी वेदना प्रकट नहीं की। स्त्री की प्रकृति के अनुरूप राजवंदी ने अपनी वेदना रोक नहीं पाई कि उसकी आंखें छलक पड़ी दूसरा प्रश्न था पति द्वारा उपेक्षित होने पर मुर्की किसी दयालु व्यक्ति से फाड़ा लेकर राजवंती के यहाँ आती है वहाँ मुर्की और राजवंती के बीच का संभावित वार्तालाप तैयार करें वार्तालाप लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए हाँ प्रसंग की पहचान मुर्की के आत्मसंघर्ष की पहचान राजमंदी की उत्सुकता की पहचान पात्रानुकूल बातचीत का चयन उचित शुरुआत एवं समाप्ति का चयन और स्वाभाविक वार्तालाप लेकर वार्तालाप का एक नमूना देखिए राजवंदी री मुर्की क्या हुआ तेरा पति कहाँ है मुर्की माँ मुझे क्षमा कीजिए राजवंदी क्या हुआ पहले सच सच बताओ मुर्की माँ मुझे थोका खाना पड़ा राजवंदी क्या आपने इस तरह वार्तालाप लिखकर अपनी अध्यापिका को भेज दिया है बहुत अच्छा तीसरा प्रश्न देखिए मैंने जिस दिन इसको एक कोटरी दी थी इसके साथ वायदा किया था कि मैं अपने जीते जी इसको कभी काम से जवाब नहीं दूंगी और ना मेरा कुमार जवान होकर इसको कभी इस कोटरी से निकालेगा मुर्की की करुण कहानी ने कुमार के मन को विचलित कर दिया मुर्की के बारे में कुमार अपने मित्र को पत्र लिखता है वो पत्र तैयार करे बच्चों सहायक बिंदुओं के आधार पर आपने पत्र लिखा होगा बच्चों अब जरा बताइए पत्र में क्या क्या होना चाहिए पत्र ചാഹിയേ പത്രമേ ക്യാക്യാ ഹോനാ ചാഹിയേ സ്ഥാനോർ താരീഖ് ഉചിത് സംബോധൻ ടീക്കേ വിഷയം നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വേണം കത്തെഴുതാൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വിഷയം തന്നിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വേദന കുമാർ സുഹൃത്തുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കത്തിൻ്റെ അടുത്ത സവിശേഷത എന്തായിരിക്കും വിഷയ്ക്ക സഹി സംപ്രേഷൻ പിന്നെന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വനിർദ്ദേശ് കത്തെഴുതി ഒപ്പിടുന്നതിന് മുൻപായി ചേർക്കണം നമുന ആ പേല സ്ഥാ തോന്ന मां बाप सकुशल है ना सबको मेरा प्रणाम आप मुर्की को जानते हैं ना मेरी देखभाल करने के लिए आई उसकी असली कहानी सुनकर मेरा मन वेदना से भर गया और अंत में आपका उसके बाद हस्ताक्षर और कुमार ए हस्ताक्षर और कुमार पत्र लिखने वाले का होना चाहिए क्या इस तरह पत्र लिखकर अध्यापिका को फेंस दिया है बहुत अच्छा ठीक है तो बच्चों पिछली कक्षा में पाठित भाग का सारा सुनिए मुर्गी चार छः महीने शहर के लड़के के साथ रहती थी उसने सब कुछ बेचकर कर की खरीदी कुछ दिन बाद कोई और स्त्री उसकी नसर में बैठ गई एक दिन वो लटका सराय में सोई हुई मुर्की के आंचल से कर की चाबी खोलकर ले गया और उसको सराय में ही छोड़ गया मुर्की किसी दयालु व्यक्ति से राग का फाड़ा लेकर कुमार के घर लौट आई कुमार के घर की कोठरी की चाबी മാ ജീതേജി മുർക്കി കോമാർ ഭീസ്കോ കിസെ നിക്കാളേഗനിയെ ഏകദേശം നാലഞ്ചു മാസം മുർക്കി ഭർത്താവിനോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നു അവർ എല്ലാം വിറ്റ് വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൻ വേറൊരു സ്ത്രീയിൽ ആകൃഷ്ടനായി മുർക്കിയുടെ ഭർത്താവ് സത്രത്തിൽ അവൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവളുടെ സാരത്തുമ്പിൽ നിന്നും വീടിൻ്റെ താക്കോൽ എടുക്കുകയും മുർക്കിയെ സത്രത്തിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു കളയുകയും ചെയ്തു ഏതോ ഒരു ദയാലുവായ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴിച്ചെലവ് വാങ്ങി കുമാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ തിരികെ വന്നു കുമാറിൻ്റെ അമ്മ മുറിയുടെ താക്കോൽ മുറുക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൊടുത്തിരുന്നു ഒരിക്കലും അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുറുക്കിയെ ജോലിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞുവിടില്ല വിടില്ല കുമാർ വലുതാകുമ്പോൾ അവനും മുറുക്കിയെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിടില്ല കുമാറിൻ്റെ അമ്മ രാജ്മന്തി വീടിന് പുറകുവശത്തെ മുറിയുടെ താക്കോൽ മുറുക്കിയെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ കുമാർ എന്തു പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ മുറുക്കിക്ക് എന്ത് പറ്റി നമുക്കറിയണ്ടേ ആകെ ദേഖിയേ मैंने तुझे कहा था ना औरत की जात न जाने कैसी होती है यह जब आई इसका मुंह खोई हुई बछड़ी जैसा था जब स्त्री के पास रहने को घर न हो माँ तू बड़ी अच्छी है अगर तेरी जगह कोई और औरत होती मैंने कोई इस पर एहसान नहीं किया था कुमार उसके काम का मोल चुकाया था उसके रूप को देखकर मैं कहती थी मुर्गी किसके कानों में पड़ेगी जब मुर्गी वापस आई मुझसे कहने लगी माँ मुझे किसी ने कानों में पहना था पर फिर उसके कान फट गए क्या जाने मेरा बोझ ही ज्यादा हो तो प्रश्न सुनिए राजवंदी ने कुमार से क्या कहा राजवंदी ने कुमार से क्या कहा औरत की जात न जाने कैसी होती है अर्थात मूर्की की हालत देखकर राजवंदी ने कहा औरत की जात न जाने कैसी होती है औरत की जात न जाने कैसी होती है यह किसने किससे कहा किसने किसे कहा यह राजवंदी ने कुमार से कहा तो सुनिए मूर्गी को देखकर राजवंदी को कैसे लगा कैसे लगा हाँ, को मुर्की का कोई हुई जैसा लगा माने बच्चडी माने फीमेल काफ മുർക്കി വന്നപ്പോൾ അവളുടെ മുഖം കൂട്ടം തെറ്റിയ പശുക്കിടാവിനെ പോലെയായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീക്ക് താമസിക്കുവാൻ വീട് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഊഹിക്കാമല്ലോ राजवंदी के बातें सुनकर कुमार ने क्या कहा हाँ राजवंदी की बातें सुनकर कुमार ने कहा माँ तू बेड़ी अच्छी है कुमार की प्रशंसा सुनकर माँ ने क्या कहा क्या कहा कुमार की प्रशंसा सुनकर माँ ने कहा मैंने कोई इस पर एहसान नहीं किया था उसके काम का मोल चुकाया था एहाम एक नया शब्द है नया शब्द क्या है आहसान आहसान अर्थात उपकार उपकार मोल चुकाना ये भाषा का एक विशेष प्रयोग है इसका अर्थ है मूल्य लौटा देना क्या है मूल्य लौटा देना प्रतिफल नल्गुगा तो सुनिए मुर्गी का रूप देखकर राजवंदी क्या कहती थी क्या कहती थी हाँ मुर्की का रूप देखकर राजबंदी ने कहा री मुर्की किसके कान में पड़ेगी अगला प्रश्न है मुर्की ने राजवंदी के घर वापस आते समय क्या कहा मुर्की ने राजवंदी के घर वापस आते समय कहा मुझे किसी ने कानों में पहना था അഗല ശബ്ദി മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു എന്നെ ആരോ കാതിൽ അണിഞ്ഞു പക്ഷേ എപ്പോഴോ അത് പൊട്ടിപ്പോയി എന്റെ ഭാരം അത്ര അധികമായിരുന്നിരിക്കണം മുർക്കിയുടെ കഥ കേട്ട കുമാറിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയണ്ടേ ആകെ കുമാർക്ക് ആഖ്യം ഫർറായി മർദ്ദജാതിക്ക് ലാജ്ന മാ ഇസ് വർഷഗാണ്ടപ്പർ മുജ്സെ ലിയാ കി മേ മുർക്കോ उसके जीते जी कभी इस कोटरी में से नहीं निकालूंगा प्रश्न सुनिए मुर्की की करुण कहानी सुनकर कुमार को क्या हुआ मुर्की की करुण कहानी सुनकर कुमार की आंखें भर आंखे आंखें भर भर्राईम आंखें भराना एक विशेष प्रयोग है इसका अर्थ है रोना अगला प्रश्न सुनिए शायद मर्द जाति की कोई लाज रखने के खेली कुमार के चरित्र की कौन सी विशेषता यहां प्रकट होती है लाज रखना माने, लाज रखना माने टू प्रोटेक्ट ओनर। ऑनर अलेंगे आत्माभिमान संघर्ष किया सच्चा पुरुष स्त्री जाति का आदर करता है उनकी देखभाल करता है उनकी वेदना पहचानता है कुमार ने कब प्रण लिया लेना, लेना अर्थात प्रतिज्ञा करना कुमार ने अपनी वर्ष पर प्रण लिया कुमार ने अपनी वर्षगांठ पर क्या प्रण लिया था हाँ मुर्की को उसके जीते जी कभी इस कोटरी में से नहीं निकालूंगा राजवंदीड प्रतिज्ञा सफल आयो मुर्की के दे। आगे हाँ कुमार, इसलिए मैंने तुझसे प्रण लिया था उसके मर्द ने जब उसके घर की चाबी उसके पल्ले से खो ली थी मैंने इस कोटरी की चाबी उसको पकड़ाते हुए कहा था कि मेरे जीते जी कभी कोई तुझसे ये चाबी नहीं छीनेगा तो मेरा प्रश्न सुनिए राजवंदी कुमार से प्रण लेने का कारण क्या था कारण क्या था मुर्की के मर्द ने जब उसके घर की चाबी उसके पल्ले से खोल ली थी तब राजवंदी ने कुमार से प्रण लेने को कहा पल्ला पल्ला माने वस्त्रांजल मुंदाणी तो सुनिए मुर्की के मर्द ने जब उसके कर की उसके पल्ले से खोली थी तब राजवंदी ने क्या किया हाँ मुर्की के मर्द ने जब उसके कर की उसके पल्ले से खोली थी तब राजवंदी ने अपने घर की कोटरी की चाबी उसको पकड़ाते हुए कहा था कि मेरे जीते जी कभी कोई तुझसे ए चाबी नहीं छीनेगा। चीन्ना, चीन्ना जानते हैं। माने ഇപ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് സുന്ദരി പെൺകുട്ടിയായ മുർക്കിയിൽ നിന്നും എന്തു മാറ്റമാണ് അവൾക്ക് സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കാം को नहलाया इस ജപ് की चाबी उसके नेफे में खोसी हुई थी उसके माँ से चिपक गई थी इस चाबी ने उसकी देह पर जख्म कर दिया था पर उसने जीते जी इस चाबी को अपने मांस से नहीं उतारा मुर्गी बुला की एक औरत राजवंती ऐसे रोई जैसे उसकी आंखों में मुर्की के आंसू मिले हुए थे और सिर्फ मुर्की के नहीं सारी औरत जा के आंसू मिले हुए थे तो बच्चों सुनिए को को नहलाती है। कोन? कोन मरी को नहलाती है है? कौन? कौन याद है हाँ राजवंदी मरी को नहलाती है मरी को नहलाते समय कोटरी की छाबी उसके नेफे में कोसी हुई थी नेफा माने जानते हैं आप नेफा माने नाड़ा कोसना कोसना अर्थ क्या है कोसना माने कुसेडना। टू इंसर्ट तो सुनिए मुर्की के मांस से क्या चिपक गई क्या चिपक गई मुर्की के मांस से कोटरी की चाबी चिपक गई चिपकना चिपकना अर्थात उठी कोटरी की चाबी कहाँ थी हाँ ठीक है कोटरी की चाबी मरी मुर्गी के नेफे में कोसी हुई थी उसके मांस में चिपक गई थी मरी मुर्गी का वर्णन राजवंदी ने कैसे किया कोटरी की चाबी ने मुर्की की देह पर जख्म कर दिया था पर उसने जीते जी इस चाबी को अपने मांस से नहीं उतरा जकम जकम अर्थात चोट मुर्की की देख पर जक्म कर दिया किसने किसने कोटरी की चाबी ने मुर्की की देख पर जक्म कर दिया यहां राजवंदी के दुख का वर्णन लेखिका ने कैसे किया ിയ രാജവന്തി ജൈസേസ്കി ആഘോമേം മുർക്കി കെ ആസുലേ രാജ്വന്തിയുടെ കരച്ചിലിൽ മുർക്കിയുടെ കണ്ണുനീർ കലർന്ന പോലെ അവർ കരയാൻ തുടങ്ങി മുർക്കിയുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ മുർക്കിമാരുടെയും കണ്ണുനീർ ആ കരച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു പ്യാര ബച്ചോ ഹമാരി മുർക്കി കി കഹാനി യഹാം സമാപ്ത് ഹോത്തി लेकिन यह कहानी हमारे मन में चोट डालती है तो बच्चों अमृता प्रीतम की नारी संवेदनायुक्त कहानी का सारांश सुनिए मुर्की राजवंती के घर के पुराने नौकर की बेटी थी उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसे गांव से कुमार के घर ले आया वो कुमार की देखभाल करती थी कुमार की माँ और मुर्की एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी बाप ने पैसे के लिए उसकी शादी तय किया तो वो एक शहरी लड़के के साथ भाग गई लेकिन लड़के ने उसे धोखा दिया और छोड़ दिया मुर्की वापस राजवंदी के घर आई राजवंदी ने उसे एक कोटरी दी और चाबी भी और बेचारी मुर्गी उस चाबी को अपने पास सभी समय रखती थी मृत्यु के बाद मुर्गी को नहलाते समय उस चाबी को उसकी मांस में चिपे हुए मिली दुनिया की शोषित नारी का प्रतीक है मुर्गी एक नहीं ऐसी कई नारियां हमारे चारों ओर और है औरत की दुरावस्था और दुख पर संवेदना प्रकट करना औरत का आदर करना है इस तरह लेखिका अमृता प्रीतम ने इस कहानी में नारीत्व की रक्षा के लिए जिंदगी भर तड़पती रहने वाली एक ग्रामीण नारी के संघर्षों का चित्रण किया है राजवंदी डे ഒരു പഴയ വേലക്കാരൻ്റെ മകളായിരുന്നു മുർക്കി അമ്മയുടെ മരണശേഷം അച്ഛൻ അവളെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കുമാറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മുർക്കിയാണ് കുമാറിനെ നോക്കിയിരുന്നത് അമ്മയും മുർക്കിയും പരസ്പരം വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു മുർക്കിയുടെ പിതാവ് പണത്തിനായി അവളുടെ വിവാഹം തീരുമാനിച്ചു അതിനാൽ അവൾ നഗരത്തിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി ഓടിപ്പോയി എന്നാൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവളെ ചതിക്കുകയും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു മുറുക്കി രാജ്വന്തിയുടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ രാജ്വന്തി അവൾക്ക് ഒരു മുറിയും താക്കോലും നൽകി പാവമുറുക്കി ആ താക്കോൽ എപ്പോഴും വളരെ ഭദ്രമായി തൻ്റെ പക്കൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു മുറുക്കിയുടെ മരണശേഷം അവളുടെ ശവശരീരം കുളിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ മുറിയുടെ താക്കോൽ അവളുടെ മാംസത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പ്രതീകമാണ് മുർക്കി ഒന്നല്ല നിരവധി മുർക്കിമാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദുരവസ്ഥയിലും ദുഃഖത്തിലും സംവേദന പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതു തന്നെ സ്ത്രീയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ കഥയിൽ എഴുത്തുകാരിയായ അമൃതാപ്രീതം സ്ത്രീത്വത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോരാടിയ ഒരു ഗ്രാമീണ സ്ത്രീയുടെ പോരാട്ടങ്ങളാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് तो बच्चों कहानी यहां समाप्त होती है अब अनुवर्ती कार्य की ओर जाएंगे पहला प्रश्न है सही मिलान करे नसर में बैठना दांदों में होंड दबाना मोल चुकाना आंखें फर आना मूल्य लौटा देना रोना आकर्षण में आना नारा सोना हमने इन विशेष प्रयोगों के बारे में आज की कक्षा में पढ़ा था तो आपने जरूर इन विशेष प्रयोगों का अर्थ समझ लिया होगा इसलिए आसानी से इन विशेष प्रयोगों और उनके अर्थों का सही मिलन कर सकते हैं अब पहला विशेष प्रयोग देखिए नसर में बैठा बच्चों इस विशेष प्रयोग का सही अर्थ क्या है आकर्षण में आना आकर्षण में आना तो इस प्रकार बाकी विशेष प्रयोगों का सही मिलान करके अपनी अध्यापिका को दिखाए तो दूसरा प्रश्न है एक कथन पढ़े मैं प्यार से उसको मुर्की बुलाती थी कभी बुला की री मुर्की किसके कानों में पड़ेगी और किसकी नाक में बुला की तरह चमकेगी किसी दयालु व्यक्ति से राह का फाड़ा लेकर लौट आई नहीं तो न जाने कहाँ भड़कती मेरे जीते जी कभी कोई तुझसे चाबी नहीं छीनेगा इन कथनों के आधार पर राजवंदी के चरित्र पर टिप्पणी लिखे चरित्र पर टिप्पणी लिखने के पहले किन किन बातों पर ध्यान देना है किन किन बातों पर ध्यान देना है हाँ कदनों का वाजन कदनों के प्रसंगों की पहचान प्रसंग अनुसार कथनों का विश्लेषण विश्लेषण के आधार पर पात्र के चरित्र की पहचान और चरित्र का टिप्पणी के रूप में लेखन एक नमूना देखिए राजवंदी मुर्की को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी वो मुर्की को प्यार से मुर्की या बुला की पुकारते हैं सौंदर्य पर वो गर्व करती है वो मुर्की को प्यार से मुर्की या बुला की पुकारती है, थी। 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 है। मुर्की के बेटे सौंदर्य पर वो गर्व करती है इस प्रकार राजवंदी के चरित्र को आगे लिखना है तीसरा प्रश्न है पदी द्वारा बुलाकी को राजवंदी अपने हम आश्रय देती है संकेतों के आधार पर बुलाकी का आत्मकथांश तैयार करें। आपके लिए സഹായക് സങ്കേ രാജ് മില്ല രാജ്ബന്തി ഒരാൾ അയാളെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും എഴുതണം മുർക്കിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ സംവേദനകളുടെ അനുഭൂതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തണം ആത്മകഥാംശം എഴുതുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോകണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഹാനിക്ക ആശയഗ്രഹൻ ആശയക്ക വിശ്ലേഷൻ ആത്മകഥി ശൈലിക്ക് പെഹച്ചാൻ सूचकों के आधार पर घटनाओं का चयन घटनाओं का विकास पात्र की संवेदना की पहचान है पात्र की संवेदना को आत्मसात करना है संवेदना के साथ घटनाओं की आत्मनिष्ठ भाषा में अभिव्यक्ति एक नमूना देखिए आत्मकथा मेरा जीवन संघर्षों से भरा था बचपन में ही मेरी माँ मर गई थी मैं चाचा के साथ गांव में अकेली रहती थी मेरे पिताजी राजवंदी माम के हम नौकरी करते थे पर राजवंदी माम के हाम कुमार की देखभाल करने के लिए मैं लाई गई राजवंदी माँ मेरे लिए माँ जैसी थी माने मुझे मुर्की या बुला की नाम दिए इस प्रकार आत्मकथांश को आगे लिखना है पढ़ित अंश में कोई संदेह है तो अपनी अध्यापिका से पूछ लीजिए यह कक्षा यहाँ समाप्त होती है धन्यवाद